हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंजीनियरिंग। ऑलरेडी हमने इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस बना ली हैं, ऑलरेडी हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ देख ली हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का भी हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और टाइप्स देख लिया। आई होप आपने लास्ट 2 वीडियोज़ देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो वो वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ 3D प्रिंटिंग। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज 3D प्रिंटिंग। इट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें लेयर बाय लेयर, जैसे हम प्रिंटर से प्रिंट करते हैं बहुत सारे पेजेस, अब पेजेस को हटाकर सिर्फ प्रिंटर से इंक आ रही है, राइट? सो इंक को लेयर बाय लेयर अगर हमने प्रिंट करा, इंक की जगह हमने प्लास्टिक ले लिया, लेयर बाय लेयर प्रिंट करा और लास्ट में उसको जोड़ दिया, तो हमें एक 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है। सो नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटिंग। आई होप आपको समझ आ गया है 3D प्रिंटिंग है क्या, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द 3D प्रिंटिंग। जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे, आई टोल्ड यू, इट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होएगा। रॉ मटेरियल अगर सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करें तो बड़े, अगर आप पाइल से एक छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत सारा रॉ मटेरियल वेस्ट होता है। 3D प्रिंटिंग में वेस्टेज कम हो जाते हैं। प्लस अगर आपका जो शेप है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इफ यू आर डिजाइनिंग अ मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट का शेप, सो इस केस में हमें 3D प्रिंटिंग पर रिजॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं। अगर सेम ही कॉम्प्लेक्सिटी का स्ट्रक्चर आप ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से बनाएंगे तो आपके पास ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। 3D प्रिंटिंग में ये जो ओवरहेड कॉस्ट है ये रिड्यूस हो जा रही है, राइट? सो ओवरहेड कॉस्ट जैसे कि रीट्रेनिंग ह्यूमन मशीनिस्ट और रीटूलिंग फैक्ट्री मशीन्स, ये सब कम हो जा रही है 3D प्रिंटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज रीट्रेनिंग ह्यूमन मशीनिस्ट? मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री में एक मेरे पास एम्प्लॉई है जो स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाता है। अभी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है पर्सन, नाउ लेट सपोज ही लेफ्ट माई फैक्ट्री, आई हैव टू हायर अनदर पर्सन, आई हैव टू रीट्रेन हिम, राइट? सो ये जो रीट्रेनिंग का कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसके साथ जो फैक्ट्री मशीन्स हैं, फैक्ट्री मशीन को भी रीटूल करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिससे कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फैब्रिकेशन में जो ओवरऑल कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, राइट? इसके बाद जो सेकंड एडवांटेज है 3D प्रिंटिंग का, कि यहाँ पर कोई असेंबली रिक्वायर्ड नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर एक साथ बनता है। मैंने आपको एक शू का एग्जांपल दिया था, शू के लेसेस अलग जगह बन रहे हैं, पूरा शू का स्ट्रक्चर अलग जगह बन रहा है, उसके अंदर वाला स्ट्रक्चर अलग जगह बन रहा है, 3 अलग अलग फैक्ट्रीज में स्ट्रक्चर बन रहा है एंड देन वी आर कंबाइनिंग इट। तो यहाँ पर क्या होगा, 3D प्रिंटिंग में पूरा स्ट्रक्चर एक साथ बन जाएगा, सारी चीज़ें एक साथ बन जाएंगी। इसके साथ हम एक डोर का एग्जाम्पल लेते हैं, डोर का स्ट्रक्चर और उसका इंटरलॉकिंग हिंज सेम जगह सेम टाइम पर ही बन रहा है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, डोर अलग जगह बनता है, इसका इंटरलॉकिंग हिंज अलग जगह बनता है, देन वी डू द असेंबली। यहाँ पर 3D प्रिंटिंग में ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, जिससे कि सप्लाई चेन रिड्यूस हो जा रही है, सप्लाई चेन शॉर्टन हो जा रही है। सप्लाई चेन छोटी हो गई तो प्रोडक्ट की फैब्रिकेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, और जिससे वी कैन सेव मनी एंड लेबर, ऑल्सो वी कैन सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट को एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में घूमना नहीं पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जा रही है। इसके साथ वी हैव द एबिलिटी टू प्रिंट ऑन डिमांड, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है फॉर द 3D प्रिंटिंग। वी हैव द एबिलिटी टू प्रिंट ऑन डिमांड, अगर मेरे पास डिमांड आ रही है देन ओनली आई विल प्रिंट। मेरे को कोई इन्वेंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, मेरे को स्टॉक पाइल नहीं करना पड़ेगा इन्वेंट्रीज के अंदर, जैसे ही मेरे पास डिमांड आएगी वैसे ही आई विल प्रिंट, इन 1 or 2 days आई कैन गिव द प्रोडक्ट, राइट? सो यहाँ पर एबिलिटी टू प्रिंट ऑन डिमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द 3D प्रिंटिंग। सो इसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कस्टमाइज डिजाइन बनाने की फैसिलिटी दे सकती हूँ कस्टमर्स को। सो नाउ फर्स्ट एबिलिटी इज दैट टू प्रिंट ऑन डिमांड। सो जैसे ही कस्टमर मुझे ऑर्डर देगा उसी समय मैं प्रिंटिंग स्टार्ट कर दूंगी और 1 से 2 दिन के अंदर उसे सामान डिलीवर करवा दूंगी। सो ऑन द स्पॉट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से कंपनीज को फिजिकल इन्वेंट्री में स्टॉकपाइल नहीं करना पड़ रहा है, राइट? सो इससे हमारे को स्पेशलिटी और कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट जो ऑन डिमांड आते हैं, अब मेरे को कोई कस्टमाइज डिज़ाइन चाहिए, लेट सपोज ज्वेलरी का, तो मैं ऑन डिमांड कस्टमाइज डिज़ाइन जाकर किसी मैन्युफैक्चरर को दूंगी और वो उसी समय इसको बनवा देगा विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। उसको अब नाउ क्योंकि ज्वेलरी का ऑलरेडी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, सो उसको स्टॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर्स के ऑर्डर के रिस्पॉन्स में
कस्टमाइज डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम बन जाएगा. इट कैन ऑल्सो मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस शिपिंग. लॉन्ग डिस्टेंस शिपिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो जा रही है क्योंकि नाउ वी कैन हैव द फैक्ट्री एट इन अ सिंगल रूम ऑल्सो. एक सिंगल रूम में ही हमारा 3D प्रिंटर रह सकता है और हम एक सिंगल रूम की हेल्प से ही अपना पूरी फैक्ट्री को ऑपरेट कर सकते हैं. नाउ वी कैन हैव द पोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग. पोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कि जो 3D प्रिंटर हैं वो लाइट इन वेट हैं, स्मॉलर इन स्केल हैं. तो एज आई टोल्ड यू एक रूम के अंदर भी हम इस 3D प्रिंटर को रख सकते हैं एंड वी कैन इवन मूव देम अराउंड एनीवेयर टू प्रिंट 3D ऑब्जेक्ट. उसको हम अपनी लोकेशन के हिसाब से भी मूव करवा सकते हैं. जो भी मेरी साइट है वहीं पर मैं 3D प्रिंटर को ले जाकर और वहीं पर उससे फैब्रिकेशन करवा सकती हूँ. नाउ प्रिसाइज फिजिकल रेप्लिकेशन. प्रिसाइज फिजिकल रेप्लिकेशन क्या है कि जो भी, जैसे मेरे पास एक म्यूजिक है, म्यूजिक फाइल को मैं कॉपी करती हूँ, दूसरे कंप्यूटर के अंदर डालती हूँ, तो कोई ऑडियो क्वालिटी लॉस्ट नहीं होती है. सो इन द सेम मैनर इन फ्यूचर हम जो डिजिटल प्रिसीजन है वो लेकर आने वाले हैं ऑब्जेक्ट में, फिजिकल ऑब्जेक्ट में. मैंने कोई फाइल बनाई कंप्यूटर में, सेम फाइल को मैंने रेप्लीकेट कर दिया फिजिकल ऑब्जेक्ट में. सो जो डिजिटल प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिजिकल ऑब्जेक्ट में. जो स्कैनिंग टेक्नोलॉजी एंड 3D प्रिंटिंग विल वर्क टुगेदर. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन कर पाएंगे, स्कैन कर उसका सेम रेप्लिका बना देंगे. विद द हाई रेजोल्यूशन शेप शिफ्टिंग बिटवीन द फिजिकल एंड द डिजिटल वर्ल्ड कैन ईजिली टेक प्लेस. तो जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज मेरे पास कोई एक ज्वेलरी डिजाइन है, मैंने इसे स्कैन करवाया, स्कैन करवाकर उसमें थोड़े एडिटिंग करवाए और सेम मेरे को डुप्लीकेट फिजिकल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू माई कस्टमाइज डिजाइन, राइट. या फिर मेरे को सेम भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो सेम रेप्लिका भी मिल सकता है. नाउ वेराइटी इज फ्री. देर आर मैनी वेराइटीज. अगर हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप में बनाते हैं, राइट. वेराइटी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है क्योंकि मास बल्क मैन्युफैक्चरिंग होती है. इन द 3D प्रिंटिंग वी कैन मेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट एट अ टाइम. सो जैसे ह्यूमन आर्टिसन होता है, 3D प्रिंटर कैन फैब्रिकेट डिफरेंट शेप ईच टाइम. अलग अलग शेप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ईच टाइम वी कैन गेट डिफरेंट डिफरेंट शेप. ट्रेडिशनल मशीन्स आर मच लेस वर्सेटाइल एंड कैन ओनली मेक थिंग्स इन अ लिमिटेड स्पेक्ट्रम. सो जो ट्रेडिशनल मशीन है वो कम ही वर्सेटाइल है. वहाँ पर से हमें अलग अलग डिजाइंस नहीं मिलेंगे, एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम की शेप ही हमें मिल सकती है. 3D प्रिंटर से ये ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. रीट्रेनिंग ह्यूमन मशीनिस्ट, रीटूलिंग फैक्ट्री मशीन्स ये नहीं चाहिए. और साथ में वी कैन हैव द डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइज, डिफरेंट डिजिटल ब्लूप्रिंट मिल जाएंगे हमें फ्रेश बैच ऑफ रॉ मटेरियल्स के साथ, राइट. सो वी कैन चेंज द मटेरियल एंड वी कैन यूज इट ऑन द सेम स्ट्रक्चर ऑल्सो. एक मैंने डिजाइन बनाया, इसमें मेरे को मटेरियल चेंज करना है, आई कैन ईजिली डू दैट. यहाँ पर लेस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है. हम सभी जानते हैं क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, इट विल क्रिएट लेस वेस्ट बाय प्रोडक्ट, जैसे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में होता है. सो जो मशीन्स हैं, सो मशीनिंग मेटल इज हाईली वेस्टफुल. मेटल्स को मशीन करना होगा तो यहाँ पर अराउंड 90% ओरिजिनल मेटल का ये ग्राउंड ऑफ में ही चला जाता है, राइट. सो लेट सपोज यू हैव टू मेक अ ज्वेलरी और उसको आपको एक प्रेशियस मेटल से बनाना है, लाइक गोल्ड से बनाना है. सो बहुत सारा गोल्ड आपका वेस्ट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही, ड्यूरिंग द सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, और ये फैक्ट्री फ्लोर में चला जाएगा. 3D प्रिंटिंग इज मोर वेस्टलेस फॉर मेटल मैन्युफैक्चरिंग. मेटल को मैन्युफैक्चर करना है तो 3D प्रिंटिंग पे आप रिजॉर्ट कर सकते हैं. जो नेट शेप मैन्युफैक्चर होएगी वो इट कुड बी अ ग्रीनर वे टू मेक द थिंग्स, राइट. Now coming to the uses, right? So what are the uses of the 3D printing? I can say applications of the 3D printing. First is the replacement part. जो replacement part है इनको बनाने के लिए बहुत सारे times what we do, we have to use a costly system. जो replacement part हैं वो easily मिलते नहीं है, costly उन्हें खरीदना पड़ता है. So जो replacement part हैं, जो equipments हैं, these are not even easily available. Some of the things can never be fully repaired. But with the help of 3D printing, you can repair anything, you can replace any number of things in the given substance. So let's suppose आपका कोई substance है, उसमें से कोई just एक part आपका खराब हो गया, तो आप उस part को, उस machine के part को 3D printing से exactly same बना सकते हैं.
हैं ज्वेलरी. सो जो ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं वो नाउ दे आर प्रेफरिंग 3D मॉडल एंड दे आर प्रिंटिंग देयर डिजाइंस ओवर द ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड मेथड. हैंडक्राफ्टेड मेथड की जगह वो ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं, 3D मॉडल्स को यूज कर रहे हैं. सो दे आर यूजिंग द 3D प्रिंटर्स टू क्रिएट पीसेस फ्रॉम रेजिन्स और वैक्स. सो सबसे पहले रेजिन और वैक्स से पीसेस बना लेते हैं बेस्ड अपॉन द 3D मॉडल, राइट. सो जो रेजिन और वैक्स से मॉडल बन जाएगा, दे आर मेकिंग द पीसेस फ्रॉम रेजिन और वैक्स बेस्ड अपॉन द मॉडल, राइट. और इस मॉडल में क्या होएगा, वी कैन इजीली एडिट द डिज़ाइन, जिससे कि कोई भी कस्टमाइज डिज़ाइन जो है वो प्रोटोटाइप करना इजीली हो जाएगा. सो वी कैन हैव वेरी चीप एंड कन्वीनियंट मेथड टू डिज़ाइन द ज्वेलरी. इसके बाद आ जाते हैं शूज़ में. सो जो शूज़ हैं वो फैक्ट्री में ही बनते हैं एक्सक्लूसिवली. दे आर मोल्डेड विद एक्सपेंसिव टूलिंग, राइट, एंड देन दे आर स्टिच टुगेदर विद वेरियस मटेरियल. सारे अलग अलग उसके पार्ट्स बनते हैं और फिर उनको स्टिच करा जाता है साथ में बहुत सारे मटेरियल्स के साथ. नाउ इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ द 3D प्रिंटर टू प्रोड्यूस कम्फर्टेबल स्टाइलिश एंड कस्टम डिज़ाइन शूज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र. वी कैन मेक द शूज़, और जो शूज़ हम 3D प्रिंटिंग से बनाएंगे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एडेसिव यूज़ नहीं हुआ है, हमने अलग अलग पार्ट को स्टिच नहीं करा है, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बहुत कम्फर्टेबल होगा. वी कैन गेट अ मिनिएचर मॉडल, राइट. सो जैसे अगर आपको कोई बड़ी मशीनरी लगानी है एक फैक्ट्री के अंदर, यू कैन मेक अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द सेम मशीन, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ये काम भी कर रही है या नहीं. अगर वो काम कर रही है तो आप बड़ा उसका मॉडल बना सकते हैं. यू कैन मेक द मिनिएचर्स फॉर द बिल्डिंग्स के लिए भी आप बना सकते हैं. यू कैन रिक्रिएट अ होल सिटी स्पेस इन अ मिनिएचर ऑल्सो. कमिंग टू द फंक्शनल ऑर्गन्स, तो 3D प्रिंटिंग प्रिंटेड ऑर्गन्स भी हम बना सकते हैं. सो दीज ऑर्गन्स आर जस्ट नॉट द मॉडल्स. आप ये सोच रहे होंगे कि जो लैब में आप मॉडल्स देखते हैं वो ऑर्गन नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग 3D प्रिंटर टू प्रोड्यूस फंक्शनल रिप्लेसमेंट ऑर्गन्स. जैसे अगर किडनी बन जाए विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग. सो नाउ अ लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन. कमिंग टू द मॉडल मेकिंग, मॉडल मेकिंग इज अगेन अनिशे प्रैक्टिस टू वर्क विद द 3D वर्क फ्लो. तो यहाँ पर क्या होता है कि वी आर मेकिंग द मॉडल्स विच आर द एक्सपेंसिव थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग द मॉडल्स फॉर दैट. सो अगर मेरे पास बहुत ही एक्सपेंसिव एक मशीन है, उसका सबसे पहले हम मॉडल बना लेंगे. द क्वालिटी ऑफ डिटेलिंग एंड फिनिश विल बी सेम. जो सेम क्वालिटी सेम फिनिश हम बना सकते हैं मॉडल में, जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा छोटा स्ट्रक्चर रहेगा सेम क्वालिटी रहेगी सेम फिनिश रहेगा, राइट. सो जिससे कि हमें रियलिस्टिक प्रोडक्शन डिटेल्ड मिनिएचर्स मिल जाएंगे, राइट. दस वी कैन मेक आर प्रोडक्शन मोर अफोर्डेबल मोर इजियर. इट इज़ यूज इन फॉरेंसिक्स ऑल्सो. सो फॉरेंसिक्स में जैसे अगर आपको कुछ रिकन्स्ट्रक्शन करना हो प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं. फॉरेंसिक में सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है कि एविडेंस को ढूंढना. एविडेंस इनकम्प्लीट होते हैं, एविडेंस को ढूंढना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, राइट. सो यहाँ पर हम 3D प्रिंटर्स यूज़ कर सकते हैं. 3D प्रिंटर्स से क्या होएगा, लीगल इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है एंड कैन ऑगमेंट द एबिलिटी ऑफ फॉरेंसिक आर्टिस्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट एक्यूरेट मॉडल ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और विक्टिम. जो विक्टिम है उसका एग्जैक्ट मॉडल क्रिएट किया जा सकता है. आपने देखा होगा पहले स्केच क्रिएट करते थे, अब उस पर्सन का पूरा मॉडल क्रिएट हो सकता है. इट कैन बी used to make the glasses and the eyewear. Customized eyewear चाहिए होते हैं लोगों को, अपने face के according उनको eyewear चाहिए होता है, which can be made easily with the 3D printing. इससे cost lower हो जाएगी, it is convenient to use by the customer also. क्योंकि उसके particular face के according उसको एक glasses मिल गए हैं. These eyewears are even lighter, more comfortable and with the minimal waste. They can be produced. So, यहाँ पर अलग अलग eyewear के parts अलग अलग नहीं बन रहे, तो इनके टूटने के chances भी कम हो जाते हैं, right? So, we can use it in the recreating history also. Historical कुछ buildings को miniature बनाना है, उसके लिए भी हम 3D printing को use कर सकते हैं. या historical कोई object को दिखाना है students को बनाकर, तो उसके लिए भी हम 3D printing use कर सकते हैं. It is used in housing and construction. अब 3D printing पूरा घर बनाने के लिए भी use होती है. It is used to make the musical instruments. Musical instruments के लिए use होती है. Now it is used to make the movies and the visual effects in architecture, in the dental products also.
सो आई होप आपको सारे एप्लीकेशंस एडवांटेजेस एंड यूजेस समझ आए होंगे. अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी इन द नेक्स्ट सेशन विच इज ऑन ड्रोन्स. राइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ड्रोन्स. एंड मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.